चाय की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ चावल के मांड की बेहतरीन सब्जी, बहुत ही पौष्टिक गुणों से भरपूर है। इसके लिए मैंने चावलों को धोकर उबालने चढ़ा दिया है पतीले में और इसका मांड छान लेंगे। मैंने बस इसमें 3-4 लौंग डाली है, ये देखिए, और कुछ नहीं डाला है चावल में। बस इसको उबालना है और इसके मांड को छान लेना है। और इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी गाजर को छोटा छोटा काट लिया है, कैप्सिकम छोटा छोटा काट लिया है, उबले आलू रखे थे मेरे पास वो छोटे काट लिए, हरी मिर्च, अदरक, थोड़ी सी बीन्स और ये कॉर्न, ये बॉयल्ड है, और ये कैबेज। आपके पास इसमें से जो भी सब्जी हो वो डाल सकते हैं, नहीं तो हरे मटर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, सेम की फलियां होती हैं वो काट के डाल सकते हैं, लोबिया की फलियां काट के डाल सकते हैं, मतलब कोई भी आपके पास वेजिटेबल्स हो वो 2-3 वेजिटेबल्स, इसलिए ताकि बच्चों के पेट में वेजिटेबल्स भी जाए और स्टार्च भी जाए। कैल्शियम और आयरन बहुत ज्यादा जरूरी है इस पैंडेमिक में हमको खाना, इसलिए मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। चावल के स्टार्च में सबसे ज्यादा फाइबर, आयरन और कैल्शियम होता है। लोग कहते हैं कि इसमें वसा बहुत होती है, लेकिन चने के मुकाबले इसमें 8 गुना वसा कम होती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे हमारे शरीर में हजम होते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है। मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होने का मतलब है हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगने का मतलब वजन कम होना, पेट अंदर जाना। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, करीब 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जरा सा हींग, ताकि ये पचने में और भी ज्यादा आसान हो जाए। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें जीरा, इसके बाद मैं डालूंगी स्वाद अनुसार हरी मिर्च, इसके बाद मैं इसमें डालती हूँ अदरक, ताकि हमारे को अदरक के भी सारे गुण मिल जाए। इस पैंडेमिक में अदरक खाना सलाह दी जा रही है कि जरूरत से ज्यादा आपको अदरक खानी चाहिए। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा प्याज, ये करीब आधा प्याज है। इसके बाद हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी कैबेज, ये मैं 2 चम्मच के करीब ले रही हूँ सारा सामान, थोड़ी सी गाजर कटी हुई, ये इसलिए ले रही हूँ, एक तो हमारे को सारी सब्जियों के बेनिफिट्स मिलेंगे जब भी आप इसको खाएंगे, तो स्टार्च के बेनिफिट आपको आयरन और कैल्शियम के साथ साथ सारे मिनरल्स मिलेंगे, फॉलिक एसिड मिलेगा जो इस पैंडेमिक में बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हेल्दी खाना खाना है और हमें टेस्टी खाना खाना है, और ऐसा खाना खाना है जो हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगे। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार, इससे क्या होगा ये सब्जियां बहुत जल्दी कुक होंगी। हमें इनको सौगी करना है नहीं है, बिल्कुल भी क्रंची रखना है थोड़ा सा। ये मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर, और मैं इसमें थोड़े से डाल रही हूँ कॉर्न, ये देखिए ये बॉइल्ड कॉर्न है, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी ग्रीन बीन्स, ताकि हमारे को ये सारी सब्जियों के मिनरल्स, विटामिन सब कुछ मिले। तो ये एक तरह से आप जो काढ़ा पी रहे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा हेल्दी है। अगर इसका 1 कप भी आप पी लेंगे तो आपको आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अंदर वो सारी चीजें हम डाल रहे हैं जो कि इस पैंडेमिक में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप जरूर से ही बनाएं। आप चावल का मांड बनाते हैं और इसको सीधा नाली में बहा देते हैं, जबकि सारी इसमें ऊर्जा होती है। जब हम बहुत ज्यादा थके होते हैं, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, उस समय अगर आप ये सूप को पी लेंगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ये देखिए, अब मैं इसमें डाल दूंगी चावल का मांड, ये मैंने चावल का मांड डाल दिया और इसको ढककर 3 मिनट तक रख दूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डालूंगी 5 या 6 बूंद सोया सॉस की, ये देखिए सोया सॉस, और इसमें मैं डालूंगी 1/4 चम्मच टोमेटो सॉस। ये दोनों सॉसें इसमें जाएंगी ना तो इसका फ्लेवर इतना अच्छा आ जाएगा कि आपके बच्चे दूसरे कमरे से पढ़ते हुए कंप्यूटर छोड़ कर आएंगे। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नींबू का रस, नींबू का रस ना हो तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। बस अब ये सूप खाने के लिए तैयार है। देखिए ये सूप बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्यारे कमेंट्स जरूर दीजिए। ये सूप देखिए, आप किसी 5-स्टार होटल में जाएंगे तो आपको कम से कम 900 रुपए का मिलेगा,
और ये टेस्ट नहीं होगा, ये हेल्थ नहीं होगी। और इस समय पैंडेमिक में आपको इस समय इस सूप की बेहद जरूरत है। मेरी बात मानिए, आयरन और कैल्शियम से भरपूर ये सूप, फाइबर से भरपूर ये सूप, इंस्टेंट एनर्जी से भरपूर ये सूप जरूर बनाइएगा, जरूर पीजिएगा। वर्षा जैन को याद कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं वर्षा के रसोई में।